मुंबई का पहला सुनियोजित कमर्शियल हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स प्रदूषण का हॉटस्पॉट बन गया है। बीते 3 वर्ष से प्रदूषण के मामले में यह इलाका सबसे ऊपर रहा है। यहाँ प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से दोगुने से अधिक पाया गया। वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था सफर के मुताबिक 10 मॉनिटरिंग स्टेशनों में वायु प्रदूषण के मामले में बीकेसी की हालत सबसे बदतर रही है। इसके बाद पश्चिम उपनगर अंधेरी और पूर्वी उपनगर चेंबूर की वायु भी प्रदूषित पाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुरक्षित स्तर माना जाता है। बीकेसी में यह राष्ट्रीय औसत से दोगुना देखा गया। बीएमसी ने अपनी वार्षिक पर्यावरण स्टेटस रिपोर्ट में बीकेसी में प्रदूषण के लिए वाहनों और निर्माण कार्य को जिम्मेदार माना है। वातावरण फाउंडेशन के संस्थापक भगवान केश भट्ट ने बताया, बीकेसी में प्राइवेट और कई सरकारी एजेंसियों के कार्यालय भी हैं। इससे यहां निजी वाहनों की आवाजाही अधिक है। एमएमआरडीए द्वारा बसाए गए इस हब में कई सरकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य चल रहे हैं। फ्लाईओवर बन रहा है। आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन परियोजना का भी काम शुरू हो जाएगा। इससे समस्या और विकराल हो जाएगी। एमपीसीबी के जॉइंट डायरेक्टर वीएम मुदगरी से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई। उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया। हालांकि बीएमसी के पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके साथ ही शहर में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने का काम भी जल्द किया जाएगा। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अमिता आठवले के अनुसार प्रदूषण से फेफड़े, हृदय, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र और त्वचा पर असर पड़ता है। इससे अस्थमा, सांस की अन्य बीमारियां, कैंसर, हृदय की बीमारियां और लकवा का खतरा रहता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।